Boombox. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बूम बॉक्स। मैं हूँ प्रगति। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, वो भी कोरोना वायरस की वजह से। मोदी जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है हम सबकी सेफ्टी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। तो लॉकडाउन कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है कि लॉकडाउन के दौरान जो हम लोगों को घर में रहना है पूरे टाइम, उस टाइम में हम लोग क्या करें, घर में रहे तो करें क्या, क्योंकि हर सबको आदत नहीं होती पूरे टाइम, हम किसी को आदत नहीं होती पूरे टाइम 24/7 घर में रहने की। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग जॉब पे जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, बिजनेस मैन हैं तो अपने बिजनेस के लिए बिजनेस करने जाते हैं, जो भी जो लोग करते हैं सब वो काम करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। तो हमें उस समय समय कैसे बिताएं के बारे में नहीं सोच रहा था। लेकिन जब ये लॉकडाउन जब से लगा है, सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि घर में रहे तो करे क्या, टाइम कैसे बिताएं, जो कि बहुत बड़ा बहुत मुश्किल है। सो इसी चीज़ का सोल्यूशन लेके मैं आई हूँ आज इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम लॉकडाउन के दौरान घर में रह के अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इस टाइम को बिताएं, कैसे हमारा दिन बीते। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगी जो कि आसान कर देगा आप लोगों का लॉकडाउन में टाइम बिताना घर में। तो चलिए ये वीडियो आज की शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो नीचे बेल आइकन दिया है उसको ज़रूर दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस लॉकडाउन के दौरान हमें करना चाहिए, जैसे कि हमारा समय हम कैसे बिताएं, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसका एक सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ। सो सबसे पहली चीज़, घर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। कोरोना वायरस हमारे घर में ना आए, हम लोगों को ना हो, हमारे फैमिली मेम्बर्स को ना हो, इसके लिए हमें सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ घर की सफाई करिए, अच्छे से सफाई करिए घर की। और दूसरी चीज़ है कि अपने घर वालों के साथ समय बिताएं। वैसे भी ये मौका बहुत कम मिलता है कि हमारे घर वालों के साथ समय बिताएं। आजकल के इतने भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, सबकी सब बिजी रहते हैं अपना लाइफ में, किसी को इतना टाइम नहीं है कि हमारे घर वालों के साथ हम लोग टाइम बिता पाएं। तो ये जो हमें टाइम मिला है लॉकडाउन के समय, सबसे अच्छा टाइम है कि हम अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई सबके साथ टाइम स्पेंड करें और भरी बातें करें, ठीक है। तो तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है गेम्स। हम अपने फैमिली मेम्बर्स सबके साथ इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स भी चल गए हैं, तो आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं ग्रुप बना के, और इंडोर गेम खेल सकते हैं लाइक लूडो, सुडोकू, स्नेक एंड लैडर, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खेल सकते हैं। और काइट्स उड़ा सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने घर के टेरेस पे, घर के बाहर जाके नहीं, घर के अंदर अपने टेरेस पे खेल सकते हैं। और बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं रिलेटेड टू गेम्स। तो चौथी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एल्बम्स। हम हमारे घर की पुरानी, घर में रखी हुई जो हमारी पुरानी एल्बम्स होती हैं, पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं, हम पुरानी एल्बम्स देख सकते हैं। जैसे कि मैं तो अपने मॉम डैड सफाई करते वक्त, मुझे मेरे मॉम डैड की शादी की एल्बम मिली, हम लोगों के ट्रिप्स की एल्बम मिली, जो हम लोग पहले घूमने जाया करते थे, ज़्यादा जाया करते थे, आजकल थोड़ा कम हो गया पर पहले ज़्यादा जाते थे। तो मैं अपने मेरे पेरेंट्स की शादी की एल्बम, हम लोगों के ट्रिप्स की एल्बम आजकल वो देखते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा हमारा टाइम पास हो जाता है उससे, और पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है कि कुछ क्रिएटिव। हर किसी को कुछ ना किसी चीज़ का शौक होता है, कुछ ना कुछ उसकी हॉबी होती है। जैसे मेरी तो डांसिंग है, तो मैं तो घर में डांस करती हूँ और अपने घर वालों को भी करवाती हूँ, तो इससे एक हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है और डांस का डांस भी हो जाता है। अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आप पेंटिंग कर सकते हैं। आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो अपना सिंगिंग कर सकते हैं। पढ़ाई में है, पढ़ाई करिए। ड्राइंग एंड बहुत तरीके की क्रिएटिविटी स्किल्स होती हैं, हम लोग वो कर सकते हैं। जैसे मेरे फादर को पेंटिंग पसंद है तो उन्होंने वो करी है,
वो अपने पेंटिंग स्किल्स दिखा रहे हैं, मुझे डांसिंग पसंद है, मैं अपने डांसिंग स्किल्स दिखा रही हूँ। मेरा भाई फोटोग्राफर है, उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो वो घर में ही हम लोगों की फोटोज लेता है या बहुत सारी चीज़ों की ही क्रिएटिव चीज़ें करता है, वो अपने फोटोग्राफी स्किल्स दिखाता है इस तरीके से। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे और भी चीज़ें कर सकते हैं जिसको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है। और नेक्स्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं कि स्टडीज, गाइस लॉकडाउन हो गया है लेकिन स्टूडेंट्स को पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन हो गया इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दें, बस बैठ जाएं घर में। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं लॉकडाउन के दौरान। तो स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, हम लोग हमारी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो मैं भी अपनी पढ़ाई करती हूँ थोड़ी बहुत पर करती हूँ। ओके, तो अगली चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। घर में रहना रह के हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो खाने की वजह से वेट गेन होगा, अनहेल्दी हो जाएंगे। तो खाइए लेकिन साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करिए। जैसे कि जिम्स वगैरह सब बंद है और जो लोग सुबह सुबह वॉक पे जाते हैं वो भी अभी नहीं जा पा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग घर में ही हमारी एक्सरसाइज करें ताकि फिट रहें। भले ही जिम बंद हो गया और बाहर जाना बंद हो गया लेकिन हम फिट घर में रहकर भी रह सकते हैं एक्सरसाइज करके। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि आजकल टीवी पे, टीवी नेशनल पे रामायण दिखाई जा रही है। सो मेरी जनरेशन वाले लोग या आजकल के जनरेशन वाले लोगों ने तो आई डोंट थिंक कि रामायण देखी है पहले जो आती थी, पर ये हमें बहुत अच्छा मौका मिला कि हमारे फैमिली वालों के साथ बैठ के हम लोग रामायण देखें। सुबह शाम दो बार आती है, दोनों बार देखिए, दो घंटे यूँ ही आपके निकल जाएंगे। मैं भी हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, मेरे मॉम डैड दादी दादाजी के साथ देखती हूँ, क्योंकि हम लोग ने पहले तो ये नहीं देखी उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग थे ही नहीं। तो अभी हमारे पास मौका है ये रामायण देखने का, तो इस तरीके से भी आप अपना टाइम पास कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेरे तरीके जैसे जिस तरीके से मैं अपना टाइम बताती हूँ। मैंने वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की कि आप लोग भी ऐसा सब करके अपना टाइम इस लॉकडाउन के टाइम पे कैसे बिताए। आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप अपने फीडबैक्स देना ना भूलें, जो कि आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, बाय।